देखिए, मेरा नदीम भाई और आजम भाई से अभी का सफ़र नहीं है। 2015 में ये स्टार्ट हुआ था और फिर आपको पता है मैं गोल ग्लेडिएटर से भी खेला हूँ, तो ये एक है हमारा पुराना एक रिलेशनशिप है और बहुत अच्छा है, मज़ा भी आ रहा है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है और जो लड़कों का माहौल है वो बहुत अच्छा है, जो एक टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन्वायरमेंट कैसा है, वो बहुत अच्छा है और सब इंजॉय कर रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑनेस्टली अभी कोई प्लान है, अभी तो मेरा सिर्फ जो फोकस है मैं PSL खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो टूर्नामेंट खेल रहा होता हूँ मेरा उसी पे फोकस होता है, आगे की क्या होता है इंसान तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, लेकिन मेरा अभी फोकस ये है कि PSL चल रहा है, अच्छा करे क्वेटा के लिए, अच्छा करे, क्योंकि नदीम भाई ने ये बड़े इस दफ़ा बड़े पैशन के साथ ये टीम बनाई कि ये टीम कुछ करे, प्ले ऑफ खेले, फाइनल खेले, अभी सारा फोकस ये है कि ये टीम जो क्वेटा है वो बहुत अच्छा करे फाइनल तक। देखिए, सबसे पहले ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सिर्फ PSL नहीं होना चाहिए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि आजकल के यंग लड़के अगर 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मेरा और कुछ लड़के हैं जो पाकिस्तान टीम में आए, नसीम वगैरह हो गए, हम वो लड़के हैं जो प्रॉपर एक फर्स्ट क्लास के सिस्टम से आए थे, अभी मतलब PSL के किसी एक स्पेल या एक इनिंग पे नहीं आए थे। जब तक ये यंग बच्चे 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लंबे स्पेल्स नहीं करेंगे, उनकी बॉडी रेडी नहीं होगी, जहां भी वो एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे तो वो इंजरी की प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरा तो एडवाइस यही है कि देखिए, क्रिकेट में ये टाइम आता है और ये हर बैट्समैन पे, हर बॉलर पे आता है कि एक टाइम आता है कि आप चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन नहीं हो रही होती। कई दफ़ा होता है कि आपको मेंटल ब्रेक चाहिए होती है क्रिकेट से, आप अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, बैठ के रियलाइज़ करते हैं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं क्या सही कर सकता हूँ, क्योंकि आप कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपकी बॉडी थकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक्शन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उस रिदम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप मेंटली फ्रेश होते हैं, आपकी वो चीज़ें दोबारा ठीक होती हैं। बिल्कुल, आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि इसमें PCB को जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप देखिए, आप जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देंगे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, 4 डे क्रिकेट में आप पैसा लेके आएंगे तो लोगों की जो प्रायोरिटी है वो 4 डे क्रिकेट की तरफ आएगी। वाई नॉट, क्योंकि आप देखिए ये एक फैक्ट है, लोगों को पता नहीं अच्छा लगे बुरा लगे कि जो हमारे कंट्री के हालात हैं तो हर बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए पैसे तो चाहिए ना, उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अगर उसने अपनी फिटनेस पे काम करना है, उसने ट्रेनर्स रखने, उसने अपनी डाइट सही रखनी है, तो उसको पैसे तो चाहिए ना, वो रास्ते में से तो नहीं आएंगे, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बच्चों पे। और अगर आप वो क्राइटेरिया बनाएंगे, फिर उस हिसाब से आप बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, तो आई थिंक आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छी होती जाएगी और आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिलता है। भाई देखिए, ये हमेशा 8 साल बड़ा टाइम होता है और सैफी भाई अभी भी अगर आप देखें तो उनको उसी तरह ही ट्रीट किया जा रहा है और वो हर जो मशवरा लेना होता है रायली ने, कप्तान ने, वो सैफी भाई से ज़रूर डिस्कस करता है। और देखिए, ये कप्तान होना ना होना ये बात की बातें होती है, टीम मैन जो होती है ना चीज़ वो पहले होती है, और सैफी भाई को यही क्रेडिट जाता है कि वो जिस तरह लड़कों की हेल्प कर रहे हैं, साथ जिस तरह इनपुट दे रहे हैं, आई थिंक यही उनके लिए और हमारे लिए एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है कि टीम का जो माहौल है वो खुशगवार है। देखिए, बाबर के साथ कोई मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं है और हम एक साथ क्रिकेट खेले हैं, बड़ा अच्छा रिलेशन रहा भी है, और लेकिन जैसे आपने लास्ट इनिंग की बात की है, बिल्कुल जो उसने लास्ट पे 100 किया, जो लास्ट 2 ओवर्स बाबर खेला था, आई थिंक जो उसकी शॉट्स थी, मैं हमेशा कहता था कि उसको अपने कम्फर्ट से बाहर आके खेलना चाहिए, और आई थिंक दैट वॉज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के, जो उसने शॉट्स डिवेलप किए और ये एक अच्छी चीज़ थी। और मैं हमेशा अपना ओपिनियन रखता हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वो बिल्कुल कहता हूँ, मुझे लग रहा होता है कि ये पाकिस्तान टीम के लिए सही हो सकता है, मैं वही करता हूँ कि मेरा किसी से जाती तो है नहीं है, और एज अ क्रिकेटर मेरा ओपिनियन होता है जो मुझे समझ आ रही होती है, एज अ क्रिकेटिंग माइंड सेट से मैं वही ओपिनियन देता हूँ, और आई होप कि वो इसी तरह जिस तरह वो लास्ट इनिंग खेले, अगर पाकिस्तान टीम में भी ऐसे खेले तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा हो। समझ आ गई मुझे। सबसे पहले तो आपको एज अ, जब आप सिस्टम के ओनर होते हैं, आपको ये देखना होता है कि आपके फॉर्मेट के कौन से प्लेयर हैं, आप किस प्लेयर को किस फॉर्मेट में खिलाना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं तो हमेशा इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि मैं अपना ओपिनियन लाजमी देता हूँ जो मुझे लगता है कि ये सही बात है, कि रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। आपने देखा होगा अब आपके मेन बॉलर्स वर्ल्ड कप से पहले कितने इंजर्ड हुए थे, वो इसीलिए हुए थे क्योंकि अब वो कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते गए। कई दफ़ा यंग लड़के होते हैं उनको समझ नहीं आती, लेकिन जो बड़े होते हैं उनका काम होता है कि हमने इनको मैनेज कैसे करना है। कई दफ़ा लोग क्या करते हैं कि बस ठीक है मैं कोच हूँ, मेरी कोचिंग में बस ये मुझे बेस्ट टीम चाहिए, यही खेलते रहे, वो लॉन्गर टर्म्स का नहीं सोचते, वो उस सीरीज़ का सोचते हैं, जो गलत है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग इट्स नॉट अ ईजी जॉब। या आप अगर आप किसी से भी बात करें, क्रिकेट में सबसे जो मुश्किल जॉब है वो फास्ट बॉलिंग है, क्योंकि उसका करियर बहुत शॉर्ट होता है, 5-7 साल का करियर होता है, 10 साल का, एनी टाइम इंजरी हो सकती है,
तो बिल्कुल ये आई थिंक बड़ों का काम होता है कि प्लेयर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे लेके चलना है, वरना जो आपको इंजरीज अभी नजर आ रही है ऐसे ही नजर आती रहेगी। आखिरी सवाल, सबसे पहले तो ये है कि जब एक फास्ट बॉलर इंजरी के बाद आता है ना, तो उसका माइंड सेट वहाँ पे सेटल्ड होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको उसको 4-6 महीने देने पड़ेंगे। और T20 फॉर्मेट तो आपको पता कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 80% इट्स ऑल अबाउट बैट्समैन गेम, और हमारी जैसे आपको पता है कि बैटिंग पैराडाइज बिकते हैं और मुश्किल हो जाता है बॉलर के लिए भी, लेकिन वो अभी इंजरी से आया। और सबसे जो बुरी इंजरी है, मैं तीन कहता हूँ फास्ट बॉलर की, बैक इंजरी, नी इंजरी और एंकल इंजरी, ये फास्ट बॉलर का करियर ख़त्म कर देती है। अभी उसने दोबारा क्रिकेट स्टार्ट किया, तो आई थिंक वी हैव टू गिव हिम अ चांस कि उसको 2-4 मैचेस लगे कि सेटल डाउन होते। और आई थिंक लास्ट गेम में वो बेहतर था, जो हम इस्लामाबाद के अगेंस्ट खेले थे, उसने बहुत बेटर बॉलिंग की थी। आई थिंक वो जितनी क्रिकेट खेलेगा बेहतर होता जाएगा। थैंक यू।